नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 42,458 पे और ये कल की क्लोजिंग से 222 पॉइंट ऊपर जाके बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। और देखा जाए तो पिछले 8-10 दिनों में पहली बार इसने ऐसा किया कि दो दिन कंटिन्यू हम लास्ट डे की क्लोजिंग से ऊपर कंटिन्यू यहाँ पे क्लोज हो रहे हैं। तो आज भी लगभग हम हायर प्राइस के आसपास ही क्लोज हुए हैं। जो आज का हाई था वो 42,555 का था। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो बनाया था आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पे, सुबह मैंने वीडियो डाला था, वहां पे आप लोग को बताया था कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो है 42,555 का और एग्जैक्ट 555 का ही हाई लगा के बैंक निफ्टी वापस नीचे की तरफ आया। और सबसे अच्छी बात है कि 555 पे आपको उसने सेल करने की एक अपॉर्चुनिटी भी दी, अगर आपने देखा होगा तो। दोस्तों, यहां पे चलिए डेली चार्ट पे देखते हैं। तो डेली चार्ट पे ध्यान से देखिएगा, अभी बैंक निफ्टी उसी रेंज में है, तो ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत अभी है नहीं बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी उसी रेंज में फंसा हुआ है। क्या होता है ना, जब दो दिन अच्छे मूव मिल जाते हैं तो लगता है कि नहीं अब बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कर देगा, फिर दो दिन खराब मूव मिलते हैं इसके जैसे तो लगता है बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन करेगा। तो लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी उसी रेंज में है, तो ज्यादा बड़ी क्वांटिटी अभी प्लान मत कीजिए, छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ में ही जो मिल जाए उस पर संतोष कीजिए। सबसे जरूरी है कि आपको जो मिल गया उस पर आप सेटिस्फाइड हो जाओ। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होगे तो मार्केट इसी रेंजों में जब ट्रेड करता है ना, तो मार्केट सब प्रॉफिट आप लोग का लेके जाता है, तो यहां पर थोड़ा सा इंतजार करना ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट जरूर हो रहा है, लेकिन अभी भी काफ़ी दूर है ऊपर और नीचे दोनों साइड में। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसी लेवल के आस पे कंटिन्यू यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, जैसा कि मैं बोला था कि 42,000 के आसपास में, यानी हमें जो क्लोजिंग चाहिए वो चाहिए 41,900 के नीचे अगर क्लोज करता है या 950 के नीचे भी क्लोज करता है तो एक अच्छी डाउन साइड मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ये कंटिन्यू यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में, हो सकता है ऊपर की साइड में हम ट्रेंड लाइन के इस अपर एंड तक जाएं, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के पास आते ही हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के पास जाके यहाँ पे टाइम बिता के अगर निकलता है ना, तो एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे मिल सकती है। लेकिन फिलहाल अभी जो उसके लिए कल के लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे 42,722 का जोन, इस जोन को याद रखिएगा। देखिए, रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि 722, जैसे मैं बताता हूँ कि 722 टच ही करे, जैसे आज 555 टच किया ठीक है, हो सकता है ये 722 की जगह पे 700 से घूम जाए, हो सकता है ये 744 के पास से घूमे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमने ऊपर नीचे से बाइंग किया है तो 722 के आसपास हम अलर्ट रहेंगे। यहाँ पे हम नई पोजीशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं बाइंग साइड की और ना ही सेल साइड की। सेल साइड की क्रिएट तब करेंगे जब मान लीजिए इसी फ्लो में, यानी 400 से ओपन होता है, 400-450 पे ओपन होता है, 250-300 पॉइंट ऊपर चला जाता है और वहाँ पे कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, तब वहाँ पे हम उसको प्ले कर सकते हैं छोटी सी क्वांटिटी में, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे इसको ब्रेक कर देगा तो हम फिर से नई क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारी कंडीशन होती, मैं वीडियो में बताते रहता हूं। देखिए, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पे मैंने आज की वीडियो डाली हुई है कि आज मैंने यहां पे आप लोग को 266 के ऊपर क्यों बोला था कि एक मूवमेंट हमें मिलेगी और नया हाई बैंक निफ्टी में मारेगा, 455 हमने रेजिस्टेंस क्यों दिया था, हमने सुबह-सुबह आप लोग को सपोर्ट बताया था कि 42,040 से लेकर 44 से लेकर के 42,100 हमारे लिए सपोर्ट है, तो ये 119 तक ही आया, उसके नीचे आया ही नहीं, तो काफी अच्छा फॉलो किया बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी जब रेंज के अंदर में होता है ना, तो वहां पे जो आपके जो एनालिसिस होते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे से बैंक निफ्टी फॉलो करता है। रेंज को जब ब्रेक करता है तब उसकी उसी के साइड में आप ट्रेड करने की कोशिश करो। जब रेंज में रहता है तो हम दोनों साइड में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब रेंज के बाहर बैंक निफ्टी निकलेगा या कोई स्टॉक निकलता है तो हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, या फिर 5 मिनट या फिर 15 मिनट का चार्ट आप फॉलो करते हो तो उस पर भी आप ट्रेंड को फॉलो करो। ट्रेंड को फॉलो करोगे आपको पैसा मिलेगा। अब चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी को कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर ऐसे ही डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारी आज का जो रेंज है ना, ये काफ़ी अच्छा बैंक निफ्टी, जैसा कि मैंने बताया था सुबह की वीडियो में बताया था, बैंक निफ्टी अब मैं इंटरेस्टेड तभी होऊंगा जब बैंक निफ्टी कोई रेंज बनाएगा। देखिए, कल एक अच्छा मूवमेंट करके गया, कल वाली जो ये वाली कैंडल बन के गई काफ़ी अच्छी मूवमेंट यहाँ से करके गई, हम सुबह ओपन हुए थोड़ा सा नीचे आया, नीचे आने के बाद वापस हमने गए क्योंकि हमने ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, ये जो ट्रेंड लाइन थी हमने इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया यहाँ पे, इसलिए ये बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की साइड में गया। और यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे तो यहाँ पर भी इसने एक ट्रेंड लाइन का अपने सपोर्ट लिया था, तो इसलिए ये 100 के पास से ही बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में घूम गया था। अब देखिए, ये 15 मिनट के चार्ट के अंदर में बहुत आसानी से यहाँ पे आपको ट्रेड मिल सकता है, लेकिन कब? देखिए, जब मार्केट रेंज में होता है ना, तीन तरीके से होगा, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज। तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखेंगे तो सुबह से देखेंगे, अगर 11 बजे के बाद से देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने एक रेंज बना ली है 200 पॉइंट 150 पॉइंट की, उस रेंज के अंदर में ये ट्रेड करता रहा। हमारे लिए बेस्ट ट्रेड कब बनेगा? जब बैंक निफ्टी इसी जोन में कहीं पे ओपन हो जाए, यानी ये
इस जोन में कहीं पे ओपन हो जाए, यानी 350 से लेकर के 400 के बीच में कहीं पे ओपन हो जाए। अगर कोशिश करो कि ये 400 से ऊपर ओपन होगा तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि 400 से ऊपर ही बैंक निफ्टी ओपन हो और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताए, यानी 5-10 मिनट अगर टाइम बिताने के बाद इस लेवल को क्रॉस करता है, ये जो 555 वाला लेवल है इसको क्रॉस करता है 42,555 को, तो हम यहाँ पे एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है जो कि बैंक निफ्टी को लेके जाएगा 42,644, और उसके बाद टारगेट होगा 42,722, और थर्ड टारगेट हमारा होगा 42,833 का। तो ये टारगेट आपके नज़र में रहने चाहिए कब, जब यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा टाइम बिताए, 400-420-30 के आसपास ओपन हो, थोड़ा सा टाइम बिताए 500 के। देखिए अब टाइम बिताने का मतलब ये नहीं कि 555 के पास ही आके टाइम बिताए, हो सकता है कि ये 400 से ओपन हो, 400 से 500 के बीच में यहाँ पे टाइम बिताए। अब देखिए तो हम आज की रेंज को देख के मैं बता रहा हूँ 555, अगर ये कल क्या करे मान लीजिए 400 और 500 की रेंज बनाने लगे, इस रेंज के अंदर में ये अगर आधे घंटे ट्रेड कर गया और उस रेंज को ब्रेक किया, मान लीजिए उस रेंज का हाई 500 है, 500 को ब्रेक करेगा तो मैं 500 पे ही ले लूंगा स्टॉप लॉस में अपना, 400-420-425 का लगा लूंगा यहाँ पे। अगर ये रेंज 520 से मान लीजिए 420 से लेकर के 520 की बन रही है तब मैं 555 के ऊपर ही करूंगा। अगर वो रेंज 500 के नीचे की बन रही है, मान लीजिए 400-480 की रेंज बन रही है और जैसे 480 को क्रॉस करेगा मैं वहां पे बाइंग करूंगा, फिर मैं 555 का वेट नहीं कर रहा हूं, फिर मैंने उस रेंज में ही बाइंग कर लिया। आप लोग गलती कभी कभी क्या करते हो, फिर वो रेंज के अपर एंड पे जाके आप घुसते हो कि अब मैं अपर एंड पे, यहां पे मैंने सुबह सुबह एनालिसिस ग्रुप में 266 बोला था कि 266 के ऊपर बैंक निफ्टी नया हाई मारेगा, लेकिन कई सारे लोग क्या वेट कर रहे हैं कि कल की वीडियो मैंने 344 बोला था, ठीक है 344 के ऊपर ये गया निकला 466 का, इसने हाई भी लगाया, लेकिन उससे पहले हमें एक सेटअप मिल गया ना, उससे पहले अगर हमें सेटअप मिल गया तो हम उसके पहले वाले सेटअप पे फॉलो कर रहे हैं। तो मान लीजिए कल अगर इसी रेंज के बीच में टाइम बिताए, हो सकता है 480 हो, 470 हो, और जैसे ही उस रेंज को निकालेगा मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी बाइंग करूंगा, मैं 555 तब वेट कर रहा हूँ जब ये 500 के ऊपर टाइम बिता रहा है। मान लीजिए बैंक निफ्टी 500 पे ओपन हुआ और वहाँ पे टाइम बिता रहा, तब मैं यहाँ पे 555 का वेट कर रहा हूँ। नीचे की साइड में ये ध्यान रखिएगा, ये एक सपोर्ट रेंज है, ये सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे आते ही तुरंत सेल मत कीजिएगा। ये मान लीजिए अगर 400 पे ओपन होते हैं, ये 350 के पास में आता है, तो यहाँ पे पहले टाइम बिताने दीजिएगा, हो सकता है ये 360 पे टाइम बिताए, हो सकता है 360 को ब्रेक करके 300 के आसपास टाइम बिताए। देखिए फिर प्राइजेशन को हम ट्रेड करेंगे, जैसे ये ब्रेक करेगा वैसे ट्रेड नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ट्रेंड क्या है इसका अप है, तो हमें क्या चाहिए एक प्राइस मूवमेंट बन लीजिए। मान लीजिए इसको ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद फिर से ये थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद इस रेंज को ब्रेक करेगा, तब हम फिर यहाँ पे इसको सेल करेंगे। ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, प्राइस ऊपर की साइड में प्राइजेशन बन रहा, मान लीजिए 500 के ऊपर ओपन होता है और ऊपर ओपन होकर कोई प्राइजेशन मान लीजिए 490 के पास आता है, फिर से ऊपर निकलता मैं इसको 490 के आसपास आएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि यहां पे सपोर्ट ले रहा, सपोर्ट के बाद फिर मैं बाइंग करूंगा। तो प्राइस एक्शन को बाइंग करेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ना कि जब ट्रेंड अप में रहे तो ऐसा नहीं कि रेंज को ब्रेक करे तो तुरंत आप सेल कर दो, तुरंत सेल नहीं करना, ये सपोर्ट लेवल है 344, जैसे कि हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस था मैं बार-बार बोल रहा था, अब हमारे लिए 300 से लेकर के 366 ये सपोर्ट रेंज है, ये नजर में जरूर रखिएगा। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन हो जाए 700-722 के आसपास, तो यहां पे फिर से पहली कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि पहली कैंडल का मूव क्या होता है। देखिए पहली कैंडल रेड कैंडल बनना इंपॉर्टेंट नहीं है कि रेड कैंडल बन गया तो मैं इसको सेल कर दूंगा, पहली कैंडल मेरे लिए निगेटिव कैंडल बननी चाहिए। और दूसरी बात, आज लास्ट आवर में कुछ मूवमेंट नहीं हुई है, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पहली कैंडल में सेल ही करना है। पहली कैंडल में सेल के चांसेस तब बनते हैं जब लास्ट आवर में बहुत अच्छी खासी मूवमेंट हो जाती है, फिर ओपन होता है तो फिर 100-150 पॉइंट आपको मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लास्ट आवर में कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुई, तो अगर गैप अप भी ओपन होगा तो प्राइजेशन को हम फॉलो करेंगे, जो प्राइजेशन बोलेगा फिर उसको हम ट्रेड करेंगे। बहुत बड़ा गैप डाउन अगर मिल जाए 150-200-250 पॉइंट का, यहाँ पे मान लीजिए गैप डाउन मिल जाता है 100 से लेकर 200 के बीच में, तो इस एरिया में हम प्राइजेशन को देखेंगे या फिर कोई रेंज बनने देंगे, फिर हम उस रेंज को ट्रेड करेंगे। साथ साथ ध्यान रखिएगा सिर्फ HDFC बैंक ही यहाँ पे मुझे मजबूत दिखा, आज ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, कोटक ने ज़्यादा परफॉर्म किया नहीं है, तो सारा मूवमेंट जो लेके गया है वो HDFC बैंक लेके गया, इसी में HDFC बैंक के साथ में रहता। मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं जो बैंक निफ्टी का ट्रेड लेता हूँ कोशिश करता हूँ कि मैं HDFC बैंक के साथ में रहूँ, या फिर HDFC बैंक अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा तो भी बाकी बैंक क्या कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखता हूँ, लेकिन HDFC बैंक मेन है। अगर HDFC बैंक के साथ में एक बैंक ICICI, एक्सिस, SBI कोई भी थोड़ा बहुत चलेगा ना, तो वो बैंक निफ्टी को ऊपर की साइड में खींच के लेके जाएगा। तो हमेशा HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक पर फोकस जरूर रखा कीजिए कि वो बैंक क्या कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।